काम भरे जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट आजकल ब्लूटूथ हो गई है, जो कि ब्लूटूथ आपके किसी भी कंपनी का हो, ब्लूटूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम बचाने के लिए, समय बचाने के लिए। क्योंकि क्या है कि ब्लूटूथ आपके गले में लगे रहती है और आप आसानी से अपने फ़ोन पॉकेट से बिना निकाले रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप जब इसमें ज़्यादातर यूज करने के बाद कुछ हेडफोन्स में प्रॉब्लम आने लगती है। प्रॉब्लम क्या होता है, वन साइड हो जाता है, या आपका लेफ्ट साइड खराब हो जाएगा या आपका राइट साइड खराब हो जाएगा, ये होना ही होना है। जैसे कि आपकी ब्रांड कंपनी कोई लेते हैं, जैसे वन प्लस, उसके बाद में रियलमी, बोट और उसके बाद में MI, ये सब का लेते हैं तो थोड़ा देरी से होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वर्क करेगा। लेकिन आप लोकल कंपनी के ब्लूटूथ लेते हैं तो ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम यहीं आती है कि आपकी हेडफोन्स वन साइड हो जाता है, यानी कि एक साइड बजता है, एक साइड नहीं बजता है। जैसे कि मेरे पास ये रियलमी का हेडफोन्स है, जैसे कि इसकी मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया सर्विस देता है, ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लाइफ इसकी मतलब काम करता है, इसकी वायर्स हो गई या बैटरी हो गई लॉन्ग लाइफ चलती है। लेकिन जहाँ तक आपकी सस्ते सुविस्ते हेडफोन्स हैं, जो कि ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं, उसकी क्या होती है, उसमें से एक साइड हो जाते हैं, तो वही एक साइड का आपका इंपॉर्टेंट वीडियो रिपेयरिंग मैं इसमें देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे फटाफट। और हाँ मेरे भाई, एक और सलाह आपसे है कि अगर आप हमसे डायरेक्ट मैसेज में जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख रही है, वहाँ से फॉलो करके हमसे डायरेक्टली मैसेज में बात कर सकते हैं। वहाँ से आपको किसी भी क्वालिटीज़ के इलेक्ट्रिक मतलब कि रिपेयरिंग का वीडियो हो, वायरिंग का वीडियो हो, या आपको कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स जिसमें आप फंस रहे हैं प्रॉब्लम रिपेयरिंग करने से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट में आपकी पूरी फुल रिप्लाई दी जाएगी। साथ साथ हमसे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज में फॉलो करके जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी मेरे भाई। तो इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिख रही है, वहाँ से फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे ब्लूटूथ नेक बैंड को वन साइड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने टेबल पर। टेबल पे तो मेरे भाई देखते हैं, ये मेरे पास एक ब्लूटूथ है जो कि RD कंपनी की है, जो कि बहुत बढ़िया ब्रांड कंपनी की आती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक साइड बजता है, एक साइड नहीं बजता है, वो हर एक ब्लूटूथ में वही सारे अक्सर प्रॉब्लम वही आते हैं कि एक साइड बजती है, एक साइड नहीं बजती। हो सकता है आपकी लेफ्ट नहीं बजे या राइट नहीं बजे, बट इसमें शायद हमारा लेफ्ट नहीं बज रहा है, ये बैटरी साइड, जिस साइड बैटरी होता है। इसमें क्या है कि एक हैंडल में आपकी किट लगी रहती है, इसमें किट लगी रहती है और एक हैंडल में आपकी बैटरी लगी रहती है, तो दोनों का अलग काम होता है। यहाँ से आपकी मैनेजिंग होती है, यहाँ से बैटरी की बैकअप की काम होती है। तो या ये इसका लेफ्ट साइड नहीं बज रहा है क्योंकि राइट साइड में ही आपका मैनेजिंग का होता है, ये राइट साइड रहता है और लेफ्ट साइड होता है, तो इसकी लेफ्ट साइड स्पीकर नहीं बज रही है। तो इस लेफ्ट साइड स्पीकर को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको ओपन करना होगा इस टाइप से। इसको ओपन करें ऐसे, मान लीजिए सपोज ऐसे मैं अपने नाखून से कर देता हूँ, अगर नहीं मिलती है तो आप एक ब्लेड के सहारे इसको ऐसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। RD कंपनी की है। अब मैं जैसे बात बता दूँ आपकी रियलमी ओरिजिनल और उसके बाद में वन प्लस ओरिजिनल और बोट का ओरिजिनल, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि शायद टॉपली हो जाते हैं वो ओपन करना। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, रियलमी का हेडफोन दिखा देता हूं आपको, ये टॉपली हो जाता है आपको इसमें से, मतलब कि इसको रिपेयर करना, क्योंकि क्या होता है इसको ओपन ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे कि ये मेरे पास रियलमी की है, अभी देख रहे होंगे ये रियलमी कंपनी की है, ये ओपन ठीक से नहीं हो पाती, जैसे ये आसानी से ओपन हो गई उस टाइप से ओपन नहीं हो पाती है, इसलिए टॉप हो जाती है आपकी रिपेयरिंग करना। तो अगर आपके पास रियलमी का हेडफोन है तो आप थोड़ा सावधानी से काम करें, क्योंकि ये टॉप भी हो जाती है, उसके बाद में ये डेड भी हो सकती है ओपन होते टाइम, क्योंकि ओपन करने के लिए आपको इस साइड से निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ गैप नहीं दिए होते हैं कि आपको इसको दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि हीट के सहारे इसको पीछे लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टॉप हो जाती है। लेकिन आपकी जो ये नॉर्मल कंपनी की आती है, जैसे RD, रोबोटेक, मैकपावर, ऐसे बहुत सारी ब्रांड है इस टाइप की, अगर आपके हेडफोन्स है तो ये आसानी से ओपन इस टाइप से हो जाती है। तो इस टाइप से होने के बाद आपको क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ज्यादातर मेरे भाई प्रॉब्लम इसकी जड़ों में आती है। यहाँ देखिए, इसकी ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ आती है और यहाँ आती है। क्या प्रॉब्लम क्या होता है इसकी, जैसे कि मूवमेंट के कारण से यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है, यानी कि सरक जाती है आपकी तारे। तो ये आपको कैसे रिपेयरिंग करना है ये भी देख लीजिए, आपको समझ लीजिए मेरे भाई। यहाँ एक और बात बता दूं कि आप इस हेडफोन्स को मेरे वीडियो देख के रिपेयरिंग जरूर करिएगा, अपना हेडफोन्स अपने खुद से रिपेयरिंग करने का प्रयास जरूर करिएगा, और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका हेडफोन्स अपने से रिपेयरिंग कर सके, जो मैंने प्रॉब्लम बताया कि आपने हेडफोन्स अपने से रिपेयरिंग कर लिए हैं। अगर रिपेयरिंग कर लिए होंगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए कैसे रिपेयरिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस दोनों वायर्स को देखिए, यहाँ पे टच कराई है, यहाँ पे इसकी जोड़ी है, तो इस दोनों वायर्स को पहले यहाँ से कट कर लेना है ऐसे, जैसे कि मैंने इसको कट करके अब साइड कर लिया। तो ये साइड करने के बाद आपको मैं इसको मल्टीमीटर से मेजर करता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरी गारंटी है कि यहाँ तक ये उसी रहती है, तो इसके कारण से ये मल्टीमीटर में चेक करता हूँ तो इसके अंदर ही शॉर्ट होती है। तो मल्टीमीटर से इसको कंटिन्यूटी पे चेक किया जाता है। अगर आप कंटिन्यूटी चलाना नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मल्टीमीटर कैसे मेजर करना है। तो इस टाइप से आपको पहले इसमें शॉर्टिंग चेक करना है, कंटिन्यूटी हमारी अपडेट है। तो अब इसके दोनों वायर्स को पैसे सटा के चेक करना होगा, तो ये देखिए हमारी कंटिन्यूटी अभी नहीं बन रही है, यहाँ कंटिन्यूटी अभी हमारी नहीं बन रही है। तो अब मैं इस हेडफोन्स को क्या करना होगा, इस हेडफोन्स को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से इसको कट कर दें, यहाँ से जैसे ही इसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद अब देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट
हेडफोन का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसकी वायर्स को साफ करना, यानी कि इस पे रंगा चढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि सारी वायर्स में आपको इसमें रंगा नहीं चढ़ती है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको कट कर दें, और कट करने के बाद आयरन के सहारे पहले इसको अच्छे से इसे ऐसे करके थोड़ा हीट करके और दोनों तार को बाहर ले लें। और बाहर लेने के बाद क्या करें, आपको थोड़े से पेस्ट लेने होंगे, क्विक फिक्स हो या कोई भी पेस्ट हो, आपको इसको नीचे लगा देने होंगे। और नीचे लगाने के बाद अब आयरन से आपको पेस्ट लगा, आयरन में आपको थोड़ा सा रंगा लेकर के अब इस वायर्स पे ऐसे टच कराएं, पेस्ट में आपको वायर्स को रखते हेडफोन वायर को, और उसके बाद में ऐसे टच कराएं। ऐसे टच कराने से आपकी वायर्स हेडफोन्स की वायर साफ हो जाती है इस टाइप से। तो इस टाइप से हेडफोन्स अब साफ हो चुकी है। फिर से मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ कंटिन्यूटी से कि हमारी अब मल्टीमीटर अब हमारी हेडफोन्स बन के तैयार हो चुकी है या नहीं, हमारी वायर अब सर्किट में है या नहीं। तो ये देखिए मेरे भाई, अब मेरा कंटिन्यूटी बन के आ चुका है। ये देखिए हमारा हेडफोन अब मतलब कंटिन्यूटी में आ चुका है। तो बस अब ये वायर को हमारे भाई, एक और बात बता दूं, जैसे मैंने इसको बताया कि आप आयरन के सहारे इसको साफ कर लें, अगर आयरन से भी आपकी साफ नहीं होती है तो माचिस की तीली लेके इसके हल्के हल्के इसमें जला दें। जलाने से आपकी इसकी जो परत रहती है वो परत जल जाएगी और आपकी हेडफोन साफ हो जाएगी आयरन से। जलाने के बाद फिर से आपको यही प्रक्रिया करना होगा, जो कि पेस्ट नीचे रख के आपको अच्छे तरह से साफ कर देना होगा। और साफ करने के बाद ये जो दोनों वायर्स हैं, इस दोनों वायर्स में इसको अच्छे तरह से कनेक्ट कर देना होगा। जैसे कि मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये देखिए मेरे भाई, अब ये दोनों वायर्स कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, इसके बैटरी को अंदर फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद में अब इसकी वायर्स को भी मैं फिक्स कर लेता हूँ अच्छे तरह से। उसके बाद मैं टेस्टिंग भी कर लेता हूँ इसका, क्या हमारी हेडफोन बनकर तैयार हो चुकी है या नहीं। तो पहले इसको अच्छे तरह से आप फिटिंग कर लें, ऐसे फिटिंग करने के बाद बैठाने के बाद अब इसको मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ कि क्या हमारा हेडफोन तैयार हो चुका है बजने के लिए या नहीं। तो ये टेस्टिंग करने के लिए मैं तो इसको माइक में आपको सुना नहीं सकता, ऑडियो अपने कानों में लगा करके सुन लेता हूँ कि क्या हमारी बन के तैयार हो चुकी है या नहीं। तो ये हमारी अब बज रही है, यानी कि ये बोल दिया अभी, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये बोल दिया कि पावर ऑन। तो मेरे भाई, इसी क्वालिटी से आपको किसी भी नेकबैंड को अपना आसानी से मतलब वन साइड हुए हेडफोन्स को आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे भाई, अपने घर पे इस जो कि मैंने ट्यूटोरियल बताया, आप जरूर फॉलो कीजिए अपने हेडफोन्स के साथ, और जरूर मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या आप अपने से हेडफोन्स बना लिए हैं। अगर बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे एक बताए हुए सुझाव से कितने मेरे भाइयों की पैसे बचती है, कितने मेरे भाई इलेक्ट्रिक शॉप पे जाने से बचते हैं। हाँ मेरे भाई, ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए भाई, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।